गिरी थी पूतना, कितनी दूर में, 6 कोस में गिरी थी। 6 कोस बहुत होता है। कहते हैं काट काट के अंगों को समेटा गया, लकड़ियां इकट्ठी की गई, फिर उसे जलाया गया। वैसे 6 कोस का अर्थ ज्यादातर महात्मा लोग लगाते हैं, पूतना माने अविद्या। ये अविद्या 6 कोस में रहती है। कौन कौन से? कहा अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष। ये 5 कोषों में जो है अविद्या रहती, 5 कोष है, और 6वां जो है अविद्या स्वयं कोष स्वरूप है। तो 6 कोष में इस तरह से रहती। चतुर्दशी के दिन आई थी वह। किस दिन आई थी? चतुर्दशी के दिन आई थी। 10 इंद्रियां और 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 14 होते हैं। ये 14 स्थानों पर अविद्या का प्रभाव पड़ता है। लेकिन व्यवहार में तो यही है कि उसको फिर लकड़ी इकट्ठा किया गया, जलाया गया। जब जलाया उसको तो कहते हैं पूरे ब्रज में सुगंध से भर गया पूरा ब्रज। देखो यहां भी विचित्रता। हमने कहा भागवत में प्रत्येक जगह विचित्रता मिलेगी। आप लोगों ने लाश जलते देखा है कभी कि नहीं देखा है? देखा है? सुगंध आती है कि दुर्गंध? दुर्गंध आती है ना। जब लाश जलती है तो बहुत दुर्गंध आती है, इसीलिए वहां सुगंधित चीज डाली जाती है। लेकिन यहां कह रहे हैं कि जब पूतना को जलाया गया तो पूरा का पूरा ब्रज सुगंध से भर गया। ये कैसे हो सकता? पीछे एक बात और आई थी, हम वहां कहते कहते फिर रुक गए थे, कहा नहीं। ऋषभ देव जी जहां पड़े रहते थे वहीं पर टट्टी पेशाब करते, और उनके टट्टी पेशाब से 3 कोस तक सुगंध जाती थी। ये कभी संभव है क्या? जरा एक क्षण विचार करिए, संभव नहीं है ना। पूतना को जलाया गया तो कहते हैं 84 कोस ब्रज में सुगंध भर गई। ये संभव है? नहीं है। फिर यहां क्यों लिखा? अब हम आपको देखो बता रहा हूं, यह संभव है। सुगंध आती कहां से है और दुर्गंध कहां से आती है, जरा इस पर विचार कीजिए। पवित्रता कहां से आती है और अपवित्रता कहां से आती है, इस पर जरा एक क्षण विचार कर रहा हूं। देखो अभी आप सब एक दूसरे के पास बैठे हैं ना, किसी से किसी को दुर्गंध नहीं आ रही ना। लेकिन इसमें से केवल आत्मा निकल जाए तो देर नहीं लगती, दुर्गंध आने लगती है कि नहीं? अभी सब एक दूसरे के पास बैठे हैं, कई ऐसे हैं जो एक दूसरे से परिचित नहीं है, अब पास में बैठे हैं, भाई लग नहीं रहा है किसी को, बताओ लग रहा है भाई? लेकिन यही केवल चेतन शरीर से निकल जाता है, आत्मा निकल जाती है, पत्नी पति से डरने लगती है। सच्चाई की बात है कि नहीं है? पिता से पुत्र डरने लगता है, लाश के पास अकेले जाते नहीं, रात में कहते हैं 2-4 मिलके बैठो, वहां डर लगता है कि नहीं? डर लगता है। पिता से पुत्र को डर लगने लगता है, पति से पत्नी को डर लगने लगता है। क्यों? शरीर तो वही है ना, अलग से तो कुछ नहीं आया, भी वहां केवल चेतन निकल गया, और ऐसा चेतन निकला है जिसको आपने कभी देखा नहीं था पहले, उसके हटते ही आपको उससे भय होने लगा। 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल का यह शरीर हो गया,
हो गया ना, अभी तक सड़न नहीं हुई इसमें, वही क्या किसी की नहीं हुई ना। अब 24 घंटा बीतता नहीं चेतन के हटते, उस आत्मा के निकलने के बाद 24 घंटा नहीं बीतता, बताओ शरीर सड़ने लगता है कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, सड़ने लगता है ना, दुर्गंध भी आने लगती है ना। अच्छा, आज एक दूसरे के बगल हम देख रहा हूं, सब बैठे हैं एक दूसरे को छू रहे हैं, अब घर जाके कोई नहाएंगे क्या? नहीं नहाएंगे ना। केवल वो चेतन शरीर से निकल जाता है, पिता को पुत्र छूता है तो स्नान करता है, सच है कि नहीं है ये? केवल वो चेतन निकल जाता है।